हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न प्रीतिमन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लर्निंग डिसेबिलिटी का, अधिगम निरयोग्यताएं एवं कठिनाइयाँ। सीखने में आने वाली जो प्रॉब्लम आती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सीखना चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है स्थायी रूप से, तो उसे कहा जाता है अधिगम या सीखना कहा जाता है, ठीक है। और जब इसमें आने लगती है प्रॉब्लम, बच्चे को जो है वो पढ़ने में समस्या आती है, उसको लिखने में समस्या आती है, उसे यदि कोई चीज़ समझाई जाती है तो उसको समझने में समस्या आती है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ पर जो है वो ध्यान केंद्र करने को कहा जाए तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो ये जो भी समस्याएं आती हैं सीखने से संबंधित, उनकी बात हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करेंगे कि अधिगम निरयोग्यताओं में कौन कौन सी विशेषताएँ आती हैं। तो देखिए, अधिगम अक्षमता कैसी होती है? आंतरिक होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो बाह्य नहीं होती है। कैसी होती है? आंतरिक होती है। यह स्थायी स्वरूप की होती है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। ये स्थायी होती है, यानी कि ये सही नहीं हो पाएगी, ऐसा इसमें सोचा जाता है, लेकिन कोशिश की जाए तो इसको कम किया जा सकता है। यह कोई एक विकृति नहीं है, बल्कि विकृतियों का क्या है, एक विषम समूह है, ठीक है। यह मूल रूप से जैविक समस्या है, किंतु यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में जो है उसको कठिनाई महसूस हो रही है, किसी चीज़ को जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको अक्षर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यदि उसको थ्री बोला जा रहा है तो उसको इस तरीके का उल्टा नज़र आ रहा है, तो ऐसे बच्चे को पढ़ने में तो समस्या आती ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी समस्या आती है। ये जो है निर्णय क्षमता का अभाव, यानी कोई भी अगर निर्णय लेने को कहा जाए तो इसके अंदर वो अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। उसको कहा जाए कि तुम्हें जो है इस चीज़ का जो है निर्णय लेना है, तो वो नहीं ले पाता है, ठीक है। उसके जो भी इमोशन होते हैं तो उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। संवेगात्मक अक्षमता होती है, ध्यान केंद्रण में अक्षमता होती है, स्वयं के प्रति वो लापरवाह होता है, वो ये भी नहीं देखता है कि इससे मेरा नुकसान होगा, तो वह खुद के भी प्रति लापरवाह होता है। गामक क्रिया इसमें मंद होती है, यानी फिजिकली एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फिजिकली भी वो सही नहीं होता है, और वो किसी भी जो है गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करने को कहा जाए तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का समूह होता है। भाषा सुनने, बोलने और पढ़ने में भी कठिनाई का अनुभव उसको होता है। तो इस तरीके से सीखने संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक विकृति होने की वजह से भी बच्चा जो है वो कई चीज़ों में पिछड़ जाता है। सबसे पहली है अधिगम की कठिनाइयों में डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है कठिन भाषा, यानी जब बच्चे को कोई सिंपल लाइन जो है, सरल जो लाइन है, वह भी कैसी नज़र आने लगती है, कठिन नज़र आने लगती है और वह नहीं पढ़ पाता है उसे, तो ये पढ़ने संबंधी, पठन संबंधी प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम 1887 में रुडोल्फ ने इसे शब्द अगंता नाम दिया, और मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में जब भेद नहीं कर पाता है बच्चा, तो वह जो है उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, मौखिक में भी कठिनाई आती है, और वह उसको पढ़ भी नहीं पाता है। तो डिसलेक्सिया जो है कैसी प्रॉब्लम है? पठन संबंधी प्रॉब्लम है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि डिसलेक्सिया जो है वो लेखन संबंधी प्रॉब्लम है या पठन संबंधी प्रॉब्लम है। सेकंड है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो कि लेखन संबंधी विकार है, यहाँ पर बच्चे को जो है लेखन संबंधी प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे जो हैं, देखिए जब अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, और जब हम नंबर की बात करते हैं तो 5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब बच्चा जो है इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमने इंग्लिश में पढ़ा वो भी 5 था और ये भी 5 है, या ये भी ऐसे है ये भी ऐसे है, तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? इस तरीके से जो है वह लिखने में प्रॉब्लम उसको आती है, और 5 अगर लिखने को बोला जाए तो वो इस तरीके से लिख देगा, ठीक है, और यदि उसको ऐसे लिखने को बोला जाए तो वो इस तरीके से लिख जाता है, ठीक है। 3 लिखने को इस तरीके से बोला जाए तो उसके दिमाग में चलता है कि इस तरीके से 3 बनता है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? लेखन संबंधी प्रॉब्लम है। कैसे याद करोगे? डिसग्राफिया, ग्राफ जो है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी पेन चलाकर जो है वो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से आप याद रख सकते हो। अब कैलकुलेटर में क्या होते हैं? जोड़ होता है, घटाना होता है, भाग होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, उसमें देखते हैं हम
कि प्रतिशत का निशान होता है। तो ये सभी जो हैं किसमें प्रयोग में आते हैं, मैथ में प्रयोग में आते हैं। 1, 2, 3, 4 ये नंबर होते हैं, तो ये वही प्रॉब्लम है। ये ऐसे जो है वो आप याद रख सकते हो, तो याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है, और ये जो प्रॉब्लम है इसे फ्लैश कार्ड और कंप्यूटर गेम के द्वारा जो है इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि बच्चे को जब मैथ पढ़ाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि 2 + 2, सबसे पहले उसको एडिशन सिखाया जाता है, तो 2 + 2 जो है वो 4 सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से सीख गया, लेकिन जब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की, 2 × 2 सिखाया जाता है, तब भी वो सोचता है कि इसका आंसर भी 4 कैसे आ गया, ये तो क्या था एडिशन था और ये क्या है मल्टीप्लाई है, दोनों का ही आंसर 4 कैसे आ सकता है। यहाँ पर वो हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है, और ये चीज़ जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाता है कि मार्क बदल गए हैं, ये इस तरीके का मार्क था और मल्टीप्लाई का मार्क इस तरीके का होता है। तो कई बार जो है वो अगर उसको इस तरीके से जो है दिया जाता है तो वह जो है ये नहीं लिखता है बल्कि मल्टीप्लाई समझ के जो है ये आंसर लिख देता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मैथ्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिए डिसफेजिया। डिसफेजिया जिसको हम याद कैसे कर सकते हैं, फेस ना कर पाना, ठीक है। और जब कोई बालक सामने वाले को फेस नहीं कर पाता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, वह अपने विचारों को जो है उसके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता है, बोलने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये वाक् क्षमता संबंधी विकार है, बोलने संबंधी समस्या है, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, मुख में शब्द तो होते हैं लेकिन उनको स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। व्याख्यान में कठिनाई होती है, टूटे फूटे शब्दों के साथ वह बोलता है। आपने देखा होगा स्कूल में जब बच्चों का ओरल एग्जाम लिया जाता है तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको वहीं पर फटाफट से आंसर देना होता है। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे जो पूछा जाता है उसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिए डिसप्रेक्सिया। जब बालक का जो फिजिकली मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, यानी कि वो बहुत ही गंदा लिखता है, ठीक है, उसको लिखने को कहा जाए तो वो गंदा लिखता है, उसको पेंटिंग बनाने को कहा जाए तो वो इस तरीके से जो है वो पूरे जो है वो पेज को ही खराब कर देता है, ठीक है। उसकी जो फिंगर है वही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। उसको अगर गेम खिलाने को कहा जाए, दौड़ने भागने को कहा जाए, तो सामान्य बालकों की अपेक्षा वह रहेगा हमेशा पीछे, ठीक है। तो लेखन और चित्रांकन के समय गतिक कौशल में विकार, इसके अलावा जो उसके जो और भी मूवमेंट होते हैं जैसे कि दौड़ना हो गया, भागना हो गया, तो वहाँ पर भी वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ऐसे जो बालक होते हैं इनको भद्दा, बेढंगा, अनाड़ी बालक भी कहते हैं। क्लम्सी चाइल्ड सिंड्रोम यदि एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, तो याद रखिएगा डिसप्रेक्सिया, ठीक है, सीखने संबंधी कठिनाई है डिसप्रेक्सिया। नेक्स्ट देखें अफेजिया। जब बच्चा वाचन, लेखन, बोलने बोले या लिखित शब्दों का अर्थ निकालने में जो है अयोग्य होता है, उसको कठिनाई महसूस होती है, तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है अफेजिया। इसे वचाघात भी कहा जाता है, ठीक है। तो अफेजिया और डिसफेजिया, तो ये जो है आप समझिए कि ये एक जैसे ही है। वहाँ पर जो है विचारों को अभिव्यक्त करने में प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर जो है वाचन, लेखन, बोलने और बोले व लिखित शब्दों का अर्थ, यहाँ पर जो है मीनिंग निकालने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। बस इतना सा ही अंतर है। ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। ऐसा जो बच्चा होता है उसको कोई भी चीज़ बताई जाती है तो एक तो वो ध्यान नहीं देता है उस चीज़ को, ठीक है, और ऊपर से एक जगह जो है वो टिक कर नहीं बैठेगा। कभी भी उसको कहा जाए कि एक जगह जो है वो शांत बैठिए तो वो शांत कभी भी नहीं बैठेगा। ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति, इसका हिंदी में है, यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार है जो ध्यान को क्या करता है, प्रभावित करता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बेटा एक जगह जो है वो बैठ जाओ, यहाँ पर उसको बिठाया जाता है, थोड़े समय बाद जो है वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है, यानी कि टिकता ही नहीं है, और किसी चीज़ को जो है वो ध्यान देने को कहा जाए तो वो ध्यान भी नहीं देता है। तो ये ADHD की प्रॉब्लम है। 8th है ऑटिज्म। इसे स्वलीनता या आत्मकेंद्रिता भी कहा जाता है। स्व यानी कि खुद में लीन हो जाना,
दूसरों की जो है कोई परवाह ही नहीं है, दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है, और ऐसा जो बालक होगा वो अकेलापन जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, समूह में वो बैठेगा ही नहीं। सीमित व दोहराव युक्त व्यवहार होता है, किसी भी चीज़ को जो है बार बार बोलेगा, एक तो अगर उससे कोई एक लाइन पूछी जाए तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट तो करेगा ही। जो जन्म से 3 वर्ष से नजर आते हैं, ठीक है, ऐसा व्यवहार जो है वो जन्म से 3 वर्ष से नजर आता है, कमजोर होता है सामाजिक व्यवहार में, कमजोर संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका बहुत ज्यादा वीक होता है, जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये जो भी प्रॉब्लम है तो इनमें से जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम जन्मजात होती हैं, या कुछ प्रॉब्लम जो है वह हो सकता है एक्सीडेंट ही हो गया हो, इस वजह से प्रॉब्लम ये आ गई है बच्चे के अंदर। तो इनको जो है हम कम कर सकते हैं, यदि हम प्रयास करें तो हम इनको कम कर सकते हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है। 9 नंबर पर है हाइपोटोनिया, इसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाइपरलेक्सिया, हमने जो डिसलेक्सिया देखा था जहां पर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, अब यहां पर क्या है, हाइपर यानी कि अधिक है, वहां पर तो कम था, यहां पर क्या है, अधिक है मात्रा। इसे सिल्वर वर्ग के द्वारा पहचाना गया, यह बालक उच्च शब्द कोडिंग क्षमता वाले होते हैं, यानी छोटा सा बालक होगा, एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि 2 वर्ष का बालक है वो एलिफेंट नहीं बोल पाता है, ठीक है, एलिफेंट को नहीं पढ़ पाता है, लेकिन ये बच्चा जो है इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ELEPHANT ये बोल लेता है, तो वह सामान्य बालक की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र क्या है, 2 वर्ष है। अलेक्सिया, अलेक्सिया यहाँ पर पढ़ने में जो है वो आंशिक या पूर्ण अक्षमता होती है, ठीक है, यहाँ पर आंशिक भी हो सकती है और पूर्ण अक्षमता भी पाई जाती है। इसे जो है शब्द दृष्टिहीनता भी कहते हैं, यहाँ पर बच्चे को जो है वो सही से दिखाई ही नहीं देता है, यानी कि जो भी शब्द देख रहा होता है वो उसको गलत नजर आता है। तो हमने वो मूवी देखी थी तारे जमी पर, ठीक है, आप सभी ने देखी होगी, जिसमें जो बच्चा होता है उसको कुछ भी समझाया जाता है तो समझ में नहीं आता है, डांट भी पड़ती है उसकी, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल भी भेजा जाता है उसे, तो उसको भी इसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कि उसको जो है जो दिखाया जाता है वो नहीं दिखता है बल्कि वो कुछ और ही देखता है, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है नोट में, TEACH ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिज्म एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड, 1960 में डॉक्टर एरिक सॉपलर ने ऑटिज्म बालक के लिए शिक्षण संबंधी कार्यक्रम का प्रयोग किया था, ठीक है, तो ये टीच की जो है वो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आपसे बस यहाँ पर किस तरीके का बनता है, यहाँ से ये बनेगा आपसे कि डिसलेक्सिया जो है किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपको सीधा बता देना है कि ये पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, पठन संबंधी प्रॉब्लम है, आपसे पूछा जाए डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये कैसी प्रॉब्लम है, तो कैलकुलेटर से ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो मैथ से संबंधित समस्या है। ADHD के बारे में पूछा जाए तो फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां पर बच्चा जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है, एक जगह जो है वो आराम से टिक कर नहीं बैठ पा रहा है, हो सकता है इनके जो एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाएं आपसे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।